मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ से अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और भाई आज की जो वीडियो है वो थोड़ा अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस गाड़ी से पहली बार लगभग 300 किलोमीटर की ट्रिप करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा भाई एक व्लॉग टाइप का कंटेंट बनाया जाए और इस गाड़ी के साथ मेरा जैसा भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आप ये सामने की रोड देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ वन वे है और ये मोस्ट ऑफ द रोड ऐसे ही होने वाली है। भाई लॉन्ग राइड्स पे इस गाड़ी का कंफर्ट कैसा है, ड्राइविंग में कैसी है, ये सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और आगे आपसे हम बात करते हैं। तो भाई ये ट्रिप हम कर रहे हैं, मतलब मेरा घर जो है वो सलोन रायबरेली यूपी में है और यहाँ से हम लोग कर रहे हैं चित्रकूट, जो कि एमपी में पड़ता है, और ये मेरे घर से लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। तो ओवरऑल जो रूट है वो सिंगल लेन है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि सामने से भी गाड़ियां आती रहती हैं, इस वजह से शायद हो सकता है इसमें माइलेज सही नहीं आएगा। अभी जो माइलेज आ रहा है वो 17.7 आ रहा है, वो मेरी ड्राइविंग पे है, मतलब मैं ज्यादा इसको घसीट नहीं रहा हूँ। तो आगे जो भी जैसा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये सामने बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि फ्यूचर में यहाँ पे गाड़ी चलाने में एक अलग मजा आएगा। तो भाई ये चित्रकूट एमपी में पड़ता है और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं कि कोई दिक्कत आती है कि नहीं, मतलब चेकिंग वगैरह में, शायद वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे आपसे बात करते हैं। और भाई सबसे ज्यादा जो दिक्कत है इस रूट पे, ट्रक बहुत ज्यादा आ रही हैं, ट्रक की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। और वन वे है, इसका फायदा ये है कि इस रूट पे कोई भी शायद एक भी टोल नहीं है। तो अभी ये जो रूट है ये है सिराथू वाला, मतलब कि अभी हम लोग मेन रोड पर आ गए हैं जो कि डायरेक्ट हमको चित्रकूट ले जाएगी। तो भाई यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं दूसरी रोड, मतलब यहाँ आगे से मुड़ गए हैं और ये सीधा चित्रकूट के लिए जाती है। और अभी आप आगे देख सकते हैं रोड, वो वाली तो काफी ठीक थी, ये लेकिन थोड़ा कम सही लग रही है। और इस रूट पे शायद सिर्फ ट्रक ही चलते हैं, क्योंकि आगे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ट्रक्स हैं, इस वजह से ये रोड भी खराब हो गई है। तो चलिए देखते हैं कितनी दूर तक खराब है। और गलती एक ही की है हम लोग की, काफी लेट कर दिए हैं। अभी देख सकते हैं टाइम 5:15 बज गए हैं, तो मतलब रात ही हो जाएगी पहुंचने में। और भाई अभी यहाँ से देख सकते हैं आप, गंगा नदी है और ये पुल भाई काफी सही लग रहा है। और व्यू देखो, थोड़ा शाम का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और भाई ये सिराथू वाला रोड है, जिन भाइयों को नहीं पता। तो भाई अभी रात हो गई है और इस गाड़ी के, मतलब मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स है बहुत बेकार है, तो हम लोग आराम आराम चल रहे हैं और रोड भी काफी खराब है। तो अभी मैं धीरे धीरे ड्राइव कर रहा हूँ और सीधे रूम पे पहुंचते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं और कल जो होगा कल का भी पूरा सीन आपको समझाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। भाई हरियाणा और गुड़गांव में तो हमने बहुत देखा था, बट ये देखिए हमारे यूपी की गाड़ी है लखनऊ की। और भाई ये बुलेरो है, देखो कितनी सही लग रही है, मतलब जी वैगन लग रही है। जी वैगन नहीं, कुछ कुछ स्कॉर्पियो से पा रहा, देखो साइड से देखो एक बार भाई, क्या तगड़े अलॉयज हैं भाई, क्या तगड़ी गाड़ी है। कर दिए जूम, ठीक है। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, चित्रकूट धाम आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब जो है हम लोग चलते हैं, रूम वगैरह लेते हैं और फिर आगे आपसे बात करते हैं, हो सकता है कल ही बात करेंगे, क्योंकि भाई थक गए हैं काफी ज्यादा, लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे आपसे बात करते हैं। ये भाई लोकेशन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं रूम देखने। तो भाई फाइनली रूम मिल चुका है और आइए अंदर दिखाते हैं आपको कैसा है। हाँ है, The next day.
गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह हो गई है और हम लोग जा रहे हैं घूमने। ये रूम का नज़ारा आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा था, एसी वाला रूम था और भाई काफी घटिया रूम था। और भाई मैं भी रेडी हो गया हूँ और हम लोग रेडी होकर अभी जा रहे हैं, पैदल जाएंगे, गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी क्योंकि यहाँ लोकल में गाड़ी चलाने लायक है नहीं, जगह जगह कौन पार्क करे। इससे अच्छा यहीं पर रहने देते हैं, पैदल घूम लेंगे और उसके बाद फिर आज ही घर वापस निकलेंगे। तो चलिए आगे जो भी जर्नी होती है आपको दिखाते हैं। तो भाई ये है अपनी गाड़ी और ये हम लोग अभी जा रहे हैं, चलो। गाइस ये लोग फोटो कर रहे हैं, सोच रहे हैं वीडियो बना ले। भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं हमारे, चली जाएंगे भी। अभी रुक जाए यार, इनका फोटो लेते हैं, नहीं ये गुस्सा जाएंगे। तो भाई आज है दूसरा दिन और हम लोग पैदल जो घूमना था घूम लिए और अभी हम लोग एक लोकेशन पे और जा रहे हैं और ये सामने आप पहाड़ का नजारा देख सकते हैं भाई, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वहाँ चलते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है इसके साथ। और अभी जो रोड है ऐसे ही है, अभी तक एक भी अच्छी रोड नहीं मिली हम लोगों को, फिर भी जो माइलेज निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हैं 18.3 का निकल के आ रहा है, तो मतलब काफी प्रयास में चला रहा हूँ गाड़ी। तो भाई गाड़ी में हवा कम हो गई थी तो अभी भर ले रहे हैं उसको, अभी देख सकते हैं 32 हो गई थी। तो भाई अभी हम लोग हैं काफी ऊपर हैं, पहाड़ी पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रास्ता आया है यहाँ नीचे से और ऐसे होते हुए पूरा पहाड़ पे चढ़ के आया है और इधर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बुलेरो है, तो यहाँ पे सिर्फ बुलेरो ही आ सकती है। तो हम लोग अपनी गाड़ी नहीं लेकर आए क्योंकि भाई अगर वो लेकर आते तो ग्राउंड क्लीयरेंस इतना कम है, यहीं पे आके अटक जाती। तो भाई अब फाइनली चलते हैं नीचे और अपनी गाड़ी उठाते हैं, सीधे घर के लिए चलते हैं। तो भाई ये है मेन गेट, मतलब हम लोग यहाँ से अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, हम लोग MP से अभी UP में जा रहे हैं। तो भाई ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। तो भाई आज है अगला दिन और कल काफी लेट हो गया था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मतलब रात में आके सो गया था। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और भाई इन लोगों से पूछते हैं कंफर्ट कैसा रहा और फिर मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मतलब मैं ही चला के ले गया था और चला के भी ले आया था, तो जो भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए जान लेते हैं सीटिंग का कंफर्ट कैसा रहा, सबसे पहले पीछे वाले से बात करते हैं। तो भाई बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस। भाई मुझे अगर देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर दो लोग हैं पीछे तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया, मतलब कंफर्टेबल है। हाँ हाँ। क्योंकि बीच में ये ऐसे निकाल कर ऐसे मतलब नी वगैरह हम अपना रख सकते हैं ऐसे अच्छे से, और तीसरा बंदा होता तो इसे अंदर करना पड़ता। हाँ। तो यहाँ पर बीच में उसको ऐसे आगे होकर बैठना पड़ता। हाँ। तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत करता अगर तीन लोग होते पीछे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। बाकी भाई मेरे अकॉर्डिंग तो लेग स्पेस वगैरह काफी था, मुझे कंफर्टेबल था इससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो। आगे कंफर्ट कैसा रहा आगे वाली सीट की? भाई मुझे तो कंफर्ट पूरा रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, जिस हिसाब से रोड खराब थी बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं था, आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ बॉडी रोल तो नहीं था, ये चीज मैं भी कह सकता हूँ। और भाई चौथा बंदा है नहीं वरना उससे भी पूछ के आपको बताते कैसा क्या एक्सपीरियंस उसका रहा। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर अब बात करें ड्राइविंग की तो भाई ड्राइविंग में मुझे ये गाड़ी पूरा पैसा वसूल लगी, क्योंकि मैं इसको लगभग वही 170 किलोमीटर लगभग चला के ले गया और मैं ही चला के ले आया था, मतलब पूरी ट्रिप मैं ही इसको ड्राइव किया था। तो भाई मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, मतलब मैं वन टेक में लेके गया था, कहीं रास्ते में रुका भी नहीं था, तो ड्राइविंग में तो काफी अच्छी थी। अब बात कर लेते हैं माइलेज वगैरह की, तो ये मैं इकोसेंस का पूरा आपको ये डेटा दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये मतलब वापसी की ट्रिप है, 185 किलोमीटर वापसी में हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हैं 16.8 KMPL का माइलेज आया है और ये टॉप स्पीड 113 में लेकर गया था, क्योंकि भाई मैं उतना भगाता नहीं हूँ, अगर जैसे सिंगल लेंथ उसमें क्या ही भगा सकते हैं, एक्सप्रेस वे वगैरह होती तो उसमें भगाते। तो भाई देख सकते हैं यही माइलेज था, ओवरऑल जो माइलेज निकल के आया है वो 17.5 का निकल के आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मतलब ओवरऑल ठीक ही लगा मुझे, माइलेज भी ठीक था, कम्फर्ट भी था और बॉडी रोल वगैरह बिल्कुल नहीं थी, रोड बहुत ज्यादा खराब थी, बट इस गाड़ी से भाई काफी ज्यादा मजा आया, मतलब इसको मन कर रहा था कि चलाए जाओ। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था ये इसके साथ बढ़िया था। और ये मेरी भाई पहली ट्रिप थी, मतलब इतने लंबे मैं गाड़ी लेकर गया नहीं हूँ, लखनऊ लेकर गया था एक बार, वो यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर पड़ता है। तो भाई यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी का, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई जिस रूट से हम लोग गए थे वहां पे एक भी टोल नहीं पड़ा था, तो मतलब टोल का पैसा तो हमारा बच गया, जो है फ्यूल कॉस्ट ही सिर्फ आया था और टोल नहीं था, तो आप समझ सकते हैं भाई कैसी रोड रही होगी।